शोल्डर आगे करेंगे फिर पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाते हुए ऊपर हिप को अप करते हुए गर्दन को आजाद छोड़ेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, दोनों हाथ आगे लिए। अब आपने गौर करना है ये शोल्डर फ्रोजन की एक्सरसाइज कितनी प्यारी होने लग गई, गर्दन के ये जैसे सारे मसल गए, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी मजबूती के लिए। आस्ता आस्ता गर्दन नीचे लेकर जानी है, चेहरा ऊपर उठा कर रखना है, डाउन, शोल्डर वहीं रहने देने, बाजू सीधे करके ऐसे गर्दन नीचे लेकर जाएं, नीचे ले जाएं, चेहरा ऊपर उठा के रखें, अप डाउन अप, आपकी गर्दन की बेहतरीन एक्सरसाइज होने लगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, रिलैक्स, अपनी टांगों को फोल्ड करके फ्री कर लेना ऐसे, ऐसे फ्री कर लें, फ्री कर लें बिल्कुल पांव को, ऐसे खुले कर लें पांव, कि आपने जो कहा ना पोस्ट, ये पोस्ट में तुम्हारे आप जितने पांव को इजी कर लेंगे उतना ही ये पोज अच्छा हो जाएगा, उतना आसानी हो जाएगी। बच्ची बहुत अच्छे, हर पोज अच्छा कर रही है, स्लोली स्लोली राइट जा पीछे को, अब मकाले को नहीं कितने को टच करेंगे उतना कोई भी ना उठे, दोनों घुटने जमीन पे टच रखने हैं, फिर मकाले को नहीं टच करनी है, घुटने बाजू भी काम करता है, मैं अब आपको बताने लगा हूँ आपके आपका कॉल कैसे हो रहा है। चलो जी, ये आपने बाजू यहाँ लेके ना, बाजू यहाँ ही रखने हैं, आपने देखना है मेरे बाजू कानों को टच है, पूरी कमर का साथ लेके चल रहे हैं, कमर की तो पेट की तो एक्सरसाइज है ये, आप नहीं बोले मैं आप खुद बोल रहा हूँ, ऐसे बाजू कानों को टच रखें, रिलैक्स।